नीता अंबानी की फोटो में दिखी एंटीलिया के खास कमरे की झलक एक ही फ्रेम में दिख गया पूरा अंबानी परिवार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतकर देश के गौरव को बढ़ाने वाले विजेताओं के लिए एक खास इवेंट का आयोजन किया, जिसमें कई फेमस सेलिब्रिटीज ने भी शिरकत की। इस इवेंट में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस समारोह की कई तस्वीरें वीडियो सामने आए हैं, जिसमें नीता मुकेश अंबानी का लुक एक बार फिर चर्चा में है। इस इवेंट में मिसेज अंबानी ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, जिस पर उन्होंने लाल बिंदी लगाकर सारी लाइमलाइट लूट ली। लेकिन अब मिसेज अंबानी के लुक से ज्यादा एंटीलिया के उस कमरे की चर्चा हो रही है, जिसमें खड़े होकर नीता अंबानी ने ये तस्वीरें क्लिक कराई हैं। नीता अंबानी हर मौके पर ही अपने लुक से सुर्खियां बटोर लेती हैं, मगर अब एंटीलिया के उस खास कमरे पर सबकी नजरें हैं, जिसमें नीता अंबानी नजर आ रही हैं, क्योंकि नीता अंबानी की इस एक तस्वीर में पूरा अंबानी परिवार नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि फोटो में तो अकेली नीता अंबानी ही नजर आ रही हैं, फिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दरअसल नीता अंबानी ने जिस कमरे में ये तस्वीरें क्लिक कराई हैं, उसमें अंबानी परिवार के सदस्यों के फोटो फ्रेम भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी से लेकर उनके तीनों बच्चे आकाश, ईशा, अनंत और दोनों बहुएं श्लोका और राधिका भी नजर आ रही हैं। टेबल पर ईशा के तीन फोटो फ्रेम नजर आ रहे हैं, वहीं उनके पीछे आकाश अंबानी अपने परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। एंटीलिया के इस कमरे का इंटीरियर देखकर हर किसी की आंखें भी चमक उठी हैं। फोटो में नीता अंबानी के पीछे रखी एक मूर्ति की भी चर्चा है। मिसेज अंबानी जिस जगह पर खड़ी हैं, उनके पीछे टेबल पर एक यूनिक पीस देखा जा सकता है। इंटरनेट पर इस मूर्ति को लेकर जानकारी के अनुसार ये वुमन हेड मूर्ति आर्टिस्ट रविंद्र रेड्डी ने बनाया है और इसकी कीमत लाखों में है। रविंद्र रेड्डी की मूर्तियाँ बहुत ही शानदार होती हैं। सामान्य तौर पर उनकी मूर्तियों के सिर बड़े होते हैं, उनकी आंखें चौड़ी और खुली होती हैं। अंबानी परिवार के एंटीलिया में मौजूद अब इस मूर्ति के भी खूब चर्चे हो रहे हैं।